दतिया जिला मुख्यालय की ठंडी सड़क स्थित मीट मार्केट में आग लग जाने से लगभग 5 दुकानें बुरी तरह जल गई। बताया जा रहा है कि 5 दुकानों का लक्ष्मण रायकवार, मुन्ना ठाकुर, अरविंद ठाकुर, मोहन और आजू रायकवार संचालन करते हैं। आग लगने से लगभग 80,000 का नुकसान होना बताया जा रहा है। यह आग कैसे लगी और यह आग कैसे इतनी बढ़ गई, यह जानकारी अभी संदिग्ध है। आग की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड अमला मौके पर पहुंचा और मामला जांच में लिया। दतिया से राकेश सिसोदिया की रिपोर्ट। कोई तालमान नहीं यहाँ पर, कोई बीड़ी वगैरह फेंकी किसी ने? क्या कोई बीड़ी फेंकते नहीं है दुकानदार हम लोग आपस में यहाँ पर? कोई तो लगती तो शाम को लगती, रात को 1:30 बजे लगी है एकदम अचानक। 1:30 बजे कोई बात है आग लगने की? भाई हम लोग तो चले जाते हैं 9 बजे 9:30 बजे अपनी दुकान बंद करके अपने घर पर पहुँच जाते हैं हम लोग, उसके बाद में आते भी नहीं हम लोग मंडी में। फिर हम लोग कितने का नुकसान लगा तुम्हारा? करीब मछली का अब वो तो 140 रुपये किलो आती है, झांसी से आती है, कश्मीर यहाँ से लेते हैं। कितने क्विंटल मछली थी? करीब 1.5 क्विंटल। 1.5 क्विंटल मतलब 15-20 दुकानों मतलब 15-20 हज़ार रुपये का नुकसान। आग लगी करीब वही 1:30-1:30 बजे के समय, कोई पता ही नहीं है हमको। तो कितने का नुकसान है आपकी दुकान में? हमारा माल है 40 और 40-80, 1 क्विंटल 5 किलो। आप बताओ ये आपकी दुकान में कितने बजे लगी आगे, कैसी जानकारी मिली? जानकारी ऐसे मिली था, अपने तो घर पर सो रहे थे, घर पर आदमी गए तो जो आदमी ने फोन करा कि मंडी में आग लग रही, हम लोग आए तो यहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी नहीं, तो हमने फायर ब्रिगेड को बुलाया, बाद में फायर ब्रिगेड ने बुझी आग। तुम्हारी दुकान में कितनी मछली जल गई? हमारी दुकान में लगभग 20-22 हज़ार की मछली जल चुकी।